की महिमा अपार कोई पावे न पार, इनकी महिमा अपार कोई पावे न पार, इनकी महिमा अपार कोई पावे न पार, इनकी महिमा अपार कोई पावे न पार, देव करे जय जयकार बरसे सुमन अपार, देव करे जय जयकार बरसे सुमन अपार, रामेश्वर की करो आरती, रामेश्वर की करो आरती, डमरु वाले की करो आरती, रामेश्वर की करो आरती, डमरु वाले की करो आरती। सदा बसंत हृदय अरविंद, सदा बसंत हृदय अरविंद, भव भवानी सहित भव भवानी सहित, भोले शंकर की करो आरती, भोले बाबा की करो आरती, भोले शंकर की जय हो, शंकर की करो आरती, भोले बाबा की करो आरती, वाले की करो आरती, भोले बाबा की करो आरती, भोले बाबा की करो शुभ आरती सवारी। अब आरती का नियम मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूं। सज्जनों, हम 7 दिन कथा सुनते हैं भागवत की, 9 दिन रामायण की, कुछ न कुछ नियम तो लेना चाहिए ना। छोटी छोटी बातें पर उससे लाभ बहुत मिलता है। सूर्य नारायण साक्षात नारायण, लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा है, ये सूर्य तो साक्षात नारायण है ना। दिन भर हमको प्रकाश देते हैं और हम नहाने के बाद उनको एक लोटा जल अर्घ नहीं दे पाते। तो यदि आप लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हो तो व्यासासन से धन्यवाद है, नहीं देते हो तो कल है रविवार, कल से नियम लीजिए कि हम सूर्य नारायण को स्नान के बाद अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आपका कथा सुनना सार्थक होगा। तो कुछ न कुछ नियम लेना चाहिए। हम आरती उतारते हैं भगवान, पर उतारनी कैसे चाहिए जानते नहीं। जब भी आरती उतारिए भगवान की चरणों की 4 बार आरती उतारनी चाहिए, कमर की 7 बार उतारनी चाहिए, वक्षस्थल के 9 बार उतारनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी की पूर्ण आरती उतारी। मैना जी ने आरती उतारी। अब देखिए जो संगप होता है ना उसको आगी से बहुत डर लगता है। अब चरणों से आरती गई और जैसे वो आरती गले के पास गई तो बासुकी नाग रहते भोलेनाथ के गले में। इन नागों को भी स्मरण करना चाहिए, बड़ी महिमा है इनकी। अनंत नाग जो है कद्रु के पुत्र, उन पर नारायण विश्राम करते हैं और वही तो शेष है।
वही लखनलाल जी बनकर आते हैं और वही श्री बलराम जी बनकर आते हैं, तो इनका भी स्मरण करना चाहिए। बासुकी नाग भगवान शिव के गले में रहते हैं, कर्कोटक नाग की भी बड़ी महिमा है और तक्षक नाग का तो आप लोग सुनते ही है ना, और काली नाग की तो ऐसी महिमा है कि उसके सिर पर गोविंद नृत्य करते हैं सोचिए। इसलिए नागों को भी नित्य स्मरण करना चाहिए। श्री अम्बा मैना जी ने आरती उतारी, वो चरणों से जो आरती गले तक गई तो सांप को आगे से बहुत डर लगा, एक फुफकारी मारी बासुकी नाग ने, अब तो मैया का महाराज चले जाए कांप गया, वो आरती का थाल त्रिपुरारी के छाती पर दे। भागी भवन बैठी अति त्रासा, नारायण भगवान बगल में खड़े थे मुस्कुरा के बोले वाह बोले बाबा बड़ा दिव्य स्वागत हुआ आपका। सासू जी ने आरती की थारी छाती पर मार दी, भोलेनाथ ने कहा आपको पता नहीं पहाड़ों के यहाँ दुल्हा का स्वागत करने का यही रिवाज है, कोई एक फूल चढ़ाता है कोई एक अक्षत चढ़ाता है, मेरी सासू जी इतनी उदार है कि उन्होंने तो थाल ही अर्पित। हो गए महित जहां जनवासा, बोले ना जनवास चले। अब यहां मैना जी ने श्री पार्वती जी को गोद में बैठा लिया और बैठा कर कहते हैं हाय विधाता तूने ये क्या किया, मेरी इतनी सुकुमारी कन्या और ऐसा वर बहुरा बसा असवारा, ऐसा वर भेजा है और रोते हुए कहती है तुम सहित गिरते गिरो पर जीवत विवाह न हो करो, मैं तेरे सहित पहाड़ से गिर जाऊंगी पर इस बौरा और दिगंबर व्याघंबर धारी दुल्हा के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूं। और ये वाक्य सुना माता पार्वती ने कहा मां एक बात पूछू, पूछ बेटी। बोले तुमसे बेटा ए की विधि के अंका, तुमसे मिटाए विधि के अंका, तुमसे मिटाए कि विधि के अंका, तुमसे मिटाए विधि के अंका, व्यर्थ मातू जने ले हो कलंका, व्यर्थ मातू जने ले हो कलंका, व्यर्थ मातू जने ले हो कलंका, व्यर्थ Yeah.
तो एक बात बता दे, विधाता जी ने लिख दिया है, क्या आप उसको मिटा सकती हो? माता मैना ने कहा, बेटी ये अकाट्य है, जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंक राई बढ़े न तिल घटे रहुरे जीव निशा। पहले प्रारब्ध रच्यो, बहुत प्यारी बात है, पहले प्रारब्ध रच्यो और पीछे रच्यो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, अरे प्रेम से भज रख होनी तो जैसे। बीमारी चले डिप्रेशन, डॉक्टरों के पास इसकी दवाई नहीं, ध्यान से सुनिए, आज के डिप्रेशन की दवाई नहीं बनी, डॉक्टर दे देते सोते रहो नस थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा बस, परंतु हमारे शास्त्रों में इसकी बड़ी प्यारी दवाई, यद भावी न तद भावी, भावी चेन न तद अन्यथा, इति चिंता विसखनोयम् अगदह क्यों न पीवे। अनहोनी होवे नहीं और होनी होए तो होए, अरे तुलसी भरोते राम के निश्चित होके सो। ये बहुत प्यारी दवाई, होनी को कोई टाल नहीं सकता और अनहोनी को कोई कर नहीं सकता, इसलिए भजन करो राम ही भजिया, तात शिव धाता और नर पावर की खेती की बात है। तो मैया पार्वती ने कहा, हे मां जब तुमसे विधाता का अंक नहीं मिट सकता है तो करो क्या, अस विचारी जनी सोची माता, अस विचारी जनी सोची तराई जो रचई विधाता, सोना तराई जो रचई जीवन के लिए बहुत बड़ा सूत्र है जीने का। कहती माँ, अस विचार जनी सोची माता, चिंता मत करो माँ, क्या विचार के, अस विचार माने ऐसा विचार के, कैसा, बोले सोन तरई जो रचई विधाता, विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई नहीं टाल सकता। एक बार रावण का दरबार लगा था, सब लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, तो यही चर्चा चल रही थी कि ब्रह्मा जी बोले मैं जो लिख देता हूं उसको कोई नहीं टाल सकता। रावण ने कहा, क्या बात करते हो, यदि व्यक्ति को पता लग जाए कि ऐसा होना है तो होनी को टाल सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नोट कर लो।
सूर्य वंश में श्री राम जी महाराज प्रकट होंगे, उनके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है, अब टाल के बता। और आप जानते हैं पूरे जीवन रावण ने अपनी मृत्यु टालनी चाहिए, परंतु एक दिन वो आया कि राम जी के बाणों से उसका संहार हुआ। तो सोन तरई जो रचे विधाता, ये पार्वती जी कह रहे। और ये चर्चा चली रही थी ना, वही नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी नारायण नारायण नारायण। शिव पुराण में वर्णन आता है कि माता मैना बहुत चिढ़ी थी, इतनी चिढ़ गई थी कि मन ही मन बोल रही थी, शिव पुराण में वर्णन है, कि वो बाबा मिल जाए ना जिसने मेरी बेटी को इस पागल वर के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया, तो मैं उसकी दाढ़ी नोच के रख दूंगी। इतनी बिगड़ी थी माँ, और ऐसा सोच ही रही थी तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण। मैना जी ने कहा अब क्यों आ गए बाबा जी? नारद जी ने कहा अब मैं पूछने आया हूं। क्या? बोले जो तुम्हारी गोद में बैठी है कौन है? मैना जी ने कहा बाबा जब देखो तब बिंदु का बात करता है। अरे कौन है? मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है। बोले बिल्कुल गलत, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तुम्हारी माँ की माँ, उनकी माँ। अरे सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु। ये जगदम्बा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। तुम्हारी माँ की माँ, ये तो जगत जननी है। और पूरी कहानी सुना दिया, ये पूर्व में भी भोलेनाथ की ही थी। और थोड़ा सा राम जी के चरित्र को देखकर संदेह हो गया, और भोलेनाथ ने त्याग कर दिया, पिता के यज्ञ में जाकर इन्होंने शरीर छोड़ा, परंतु निज पति लागी दारुण तप किया। ये तो सर्वदा शंकर प्रिया हरि मैना, ये सदा सदा की भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, इसलिए विलंब मत करो, सजा दो पूरे हिमाचल में। और पुनः सज उठा सजनो, सुंदर मणि मंडप में शिव पार्वती विराजे। आदरणीय गोस्वामी पाद वर्णन करते, बड़ी प्यारी झांकी है। हर गिर जा कर माया वो चार सजने
यहाँ कीर्तन पूजा पाठ सत्संग जो भी हम करते हैं उसका एक हेतु है ये चित्त शुद्ध हो जाए। और चित्त शुद्धि का एक ही हेतु है भगवान नाम का कीर्तन, भोलेनाथ का ध्यान और इन आचार्यों के वाणियों का अनुसरण, रामायण गीता भागवत की चौपाई, इनके श्लोक महामंत्र है। क्योंकि ये महात्मा तपस्या करते हैं और तब लिखते हैं, इसमें इनका वाणी मंत्र है। बनारस में गोस्वामी जी कथा करते थे ना, बड़े दूर दूर से लोग आते थे। गंगा जी के उस पार से एक बहुत बड़े सेठ जी आते थे, वो कथा सुन के चले जाते। एक दिन जाने लगे तो गंगा जी में बाढ़ आ गई। सोचा जाऊं कैसे, तो आकर गोस्वामी जी से प्रार्थना किया, हे महाराज आप कृपा कर दो। गोस्वामी जी ने कहा भैया रात भर यही रुक जाओ मेरे आश्रम में, सवेरे गंगा जी उतर जाएंगे तो चले जाना। बोला नहीं महाराज, मैं एक रात घर छोड़ के यहाँ नहीं रह सकता। गोस्वामी जी ने कहा इतनी आसक्ति है घर में तेरी कि एक रात घर नहीं छोड़ सकता। बोला महाराज आसक्ति की बात नहीं, यहाँ रहूंगा ना तो घर की याद आएगी, मवेशी बंधे कि नहीं, फाटक बंद हुआ कि नहीं, नाती सोया कि नहीं, वही सब सोचता रहूं। और घर चला जाऊंगा तो सबको बैठा कर आज कथा में क्या सुना, आज संत जी ने क्या बताया, ये चर्चा करूंगा तो घर में आपकी याद आएगी, यहाँ घर की याद आएगी, इसलिए जाना था। तो स्वामी जी ने देखा भाव अच्छा है, एक तुलसी पत्र में और कुछ लिखा और बोले ले मुट्ठी में बांध, खोल के देखना मत पार हो जाओ। अब चला गंगा जी के ऊपर पैर रख के पार हो रहा, पर कुतूहल बहुत बड़ी चीज होती। आप किसी को कोई बात बता दो और प्रचार करना हो तो इतना जरूर बता दो, किसी को बताना मत। तो मेरा पैसा के कितने वीडियो वाले भैया सब खड़े हैं ना, इनको कुछ देना नहीं होगा, वो अपने आप प्रचार हो जाएगा। तो महाराज उसको कुतूहल था, थोड़ी गंगा जी बची थी, तो सोचा देख तो लो क्या लिखा है। तो देखा तो सीता राम नाम लिखा था। अरे बोले सीता राम तो मैं भी जानता था, क्या दिया लिख के। और जो ऐसा सोचा वही डूबने लगा। अब चिल्लाए राम जी बचाओ, राम जी बचाओ, और डूबते ही जाए। तब बोला हे तुलसी के राम बचाओ, और जो तुलसी के राम कहा तो गंगा जी ने एक झटका दिया पार। तो कहने का मतलब बात तो वही है, पर ऋषियों की वाणी में महात्माओं की वाणी में जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। इसलिए जब भी मौका लगे रामायण की चौपाई याद करिए, पढ़िए, और जब भी कथा में हो तो उसको दोहराइए। बड़ा उल्लास हुआ हर गिर जाओ खवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापिता सीताया न सन्व संत माया गिरीशंका विचाकसी पर उच्चार जय 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 कर सुर कर।
तेरी जय जय हो त्रिपुरारी, 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 तेरी जय जय हो त्रिपुरारी। महाराज में ना परम प्रसन्न, सारे देवताओं ने भोलेनाथ को विवाह की बधाई दी और सुंदर विदाई का समय आया। और जैसे भोलेनाथ पार्वती जी के साथ चले ना महाराज, माता मैं ना महाराज हिमाचल चरणों में गिर कर कहते हैं भोलेनाथ, मैंने आपको देखकर प्रथम बहुत कुछ न कहने योग्य वाणी कह दिया, क्षमा करिएगा। भोलेनाथ ने कहा यही तो है, यही तो मेरे रघुनाथ की कृपा है, यो विवाह हुआ है और यो विवाह हुआ है, हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है। प्रभु जो भी परिस्थिति दे, यही तो प्रभु की करुणा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे चलने लगे भोलेनाथ, आकर एक मरघटे में खड़े हो, मैया पार्वती ने कहा बाबा यहाँ आप क्यों खड़े हो? भोले बाबा ने कहा देवी यही हमारा प्राइवेट रूम है। ये प्राइवेट रूम है, हजारों चीते जल चुके, हजारों जलने की तैयारी हो रही है और हजारों के राख बूझ चुके हैं, तो लोग राख उठा रहे हैं और आप कहते हैं मेरा प्राइवेट रूम है। बोले है तो अब क्या करूं? बोले नहीं चलेगा, आप अकेले थे, जैसे मन में था वैसे रहते थे।
अब मैं आ गई हूँ ना, तो एक दो क्वार्टर तो बनवाना ही पड़ेगा बाबा, क्योंकि अब आप बाबा नहीं है। बोले बाबा ने कहा तो अब मैं क्या हो गया? अरे बोले अब आप बाबू हो गए, अभी तक बाबा थे पर अब तो आप बाबू हो गए, और जब बाबू हो गए तो बाबू के लिए महल तो चाहिए। बोले ना, ने कहा चिंता मत कर। और तुरंत विश्वकर्मा को याद किया, और विश्वकर्मा ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। भोलेनाथ ने कहा सुनो, ये पार्वती जी आ गई हैं तो कह रही है एक दो कमरा बनवा लीजिए, तो बना दो। विश्वकर्मा ने कहा बाबा जीवन में पहली बार आपने कोई आज्ञा दिया है, एक दो नहीं हम पूरी नगरी बना के देंगे आप। और महाराज साधारण नगरी नहीं, पूरे सोने की नगरी बना दिया। और जो सोने की नगरी बनी, नामकरण हुआ तो नेम प्लेट लिखा गया स्वर्णमयी लंका, श्रीलंका नाम रखा श्रीलंका। अब भोलेनाथ जाने लगे अंदर, पार्वती मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोले बस मैंने बार बार आपको समझाया है कि वहां बाबा नहीं है, हर चीज की रीति होती है भाई, गृह प्रवेश के लिए कुछ पूजा होता है और आप सीधे चले जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा तो क्या करूं? बोले वास्तु पूजन आदि कुछ तो करवा लीजिए। बोले पंडित, बोले अब ज्यादा कहाँ खोजेंगे पंडित है? जब पंडित लोग संवेद स्वर से वेद मंत्र बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गोस्वामी जी ने तो बड़ी विचित्र उपमा दे दी, वेद पढ़ाई जनु बट समुदायी, और लगते कहते हैं बोले दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, बहुत अच्छा लगता। तो भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, 10 पंडित का काम एक पंडित करता है, वो मेरा चेला है। बोले उसी को बुला लीजिए। और भोलेनाथ ने आवाहन किया, दशग्रीव दशानन लंकाधिपति रावण प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा जरा गृह प्रवेश की पूजा करा दो भाई, इनकी बहुत इच्छा है। अब रावण ने जो वेद मंत्र पढ़ के गृह प्रवेश का पूजन कराया, भोलेनाथ तो वैसे आशुतोष, इतना जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता है ही नहीं मारा। एक असुर था उसने तपस्या किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, मांग लिया, जिसके सिर पर हाथ रख दू वो मर जा। भोलेनाथ आगे पीछे देखे नहीं, दे दिया ए मस्तु। और इतना दुष्ट था कि गौरी हरण लाल सा, पार्वती जी मिल जाए इसलिए भोलेनाथ के सिर पर ही हाथ रख ले दो। भोलेनाथ भागे, राम जी प्रकट हुए, उस वृकासुर नाम था उससे बचाया। तो बड़े दयालु है, रावण ने पूजा करवाया गृह प्रवेश का, बड़े खुश हो गए। और तब भोलेनाथ ने कहा दक्षिणा मांग लो। अब बाबा अब आपका शिष्य हूँ, थोड़ी सी सेवा कर दिया, अब क्या दक्षिणा मांगना? भोलेनाथ ने कहा यज्ञ से भारिया दक्षिणा, कोई भी पूजा पाठ हो तो दक्षिणा का महत्व होता है। तो रावण ने कहा यदि दे नहीं हो सरकार तो यही लंका दे दो। भोलेनाथ ने हाथ में जल लिया और लंका समर्पित कर दिया। देवी जी से कहा चलिए अपना तो वही अच्छा है, क्या मरघटा, और उसका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश का अर्थ क्या होता है? अरे आप गिनती गिनती करते करते थक जाओ, किसका? लाश का, कहते ना लाश। और जब लाश गिना न जाए तो उसको कह देते कैलाश, कितने लाश, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया कैलाश। कितने लाश वहां पड़े रहते हैं, नगरों के नामकरण होते हैं ना। जैसे द्वारिका में द्वारिका का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने तत्र योग प्रभावे न नित्वा सर्व जन्म हरि, सारे मथुरा वासियों को रात ही रात न्यू नगरी बसाई और उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो सोए थे मथुरा में और जगे न्यू नगरी में, तो खोज रहे थे द्वारी कहाँ द्वारी कहाँ, और द्वारी कहाँ कहा तो उस नगरी का नाम ही पड़ गया द्वारिका।
तो ऐसे भोलेनाथ जहाँ निवास करते हैं वहाँ लाशों का ढेर गिना ही नहीं जाता है, इसलिए उस पर्वत का नाम ही पड़ गया कैलाश। भोलेनाथ निवास करे, बड़ा दिव्य चरित्र है। अब जब भोलेनाथ आ गए कैलाश, सारे देवता विदा होकर चले गए। और तब एक दिन देखो परिवार कैसा जीना चाहिए, यदि आपको ये देखना है तो भोलेनाथ के परिवार से सीखिए। पूरा परिवार राम भक्त है। मैया का नियम है, निरंतर राम नाम जपती सहस नाम सम सुनि शिव वाणी जप जेई पिय संग भवानी। 1000 नारायण नाम और 1000 सीता राम नाम ले लो, ऐसा जब जान लिया पार्वती जी ने तो उस दिन से जप जेई पिय संग सीताराम सीताराम बोलती है और सुंदर प्रसाद पाती। अब देखो नाम प्रभाव जान गण राव, ये भोलेनाथ के परिवार है ना। और प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, गणेश जी प्रथम पूज्य। एक बात पूछू, किसी मनुष्य के धर पर और हाथी का सिर लगा दीजिए कैसा लगेगा? अरे बेढब लगेगा कि नहीं लगेगा? पर गणेश जी के धर पर किसका सिर है? हाथी का। पर गणेश जी के समान कोई सुंदर देवता क्या कोई है ही नहीं। गणेश जी का चित्र आप कैसे भी बना दीजिए
पान के पत्ता पर बना दीजिए, खाली कान बना दीजिए, खाली सुन बना दीजिए, और गणेश जी की पूजा नास्तिक भी करता है, आस्तिक भी करता है, सब करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम का प्रभाव है। एक बार ब्रह्मा जी बैठे बैठे विचार करने लगे, ये 33 करोड़ देवता है, आए दिन बवाल मचाते, वरुण जी कहते मेरी पूजा करो क्योंकि मैं जल का देवता, कुबेर जी कहते मेरी पूजा करो क्योंकि मैं धनाध्यक्ष हूं, इंद्र कहते मेरी पूजा करो कि मैं देवताओं का राजा हूं, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। भाई एक घर में 10 मालिक हो जाए तो किसकी चले, मालिक तो एक होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये खटपट दूर करना, और बुलाया सारे देवताओं का, सुनिए जाइए, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आई, जो पहले आ जाएगा उसी को हम प्रथम पूज्य बना दें। अब सब चले, सबकी अपनी अपनी सवारी है, कोई घोड़े पर बैठा, कोई मयूर पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, नाना प्रकार के, महाभारत में कथा बना। मैंने आपको बताया ना, भोलेनाथ शिव माने कल्याण, और शिव के 2 पुत्र हैं, एक विवेक एक पुरुषार्थ, गणेश जी है विवेक और कार्तिकेय जी है पुरुषार्थ। तो विवेक कहता है कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित, और ये वाक्य हम आपको भी सोचना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल पहले ही सोच लेते, डिसीजन पहले ले लेते कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, परंतु ये सही नहीं। आप कर्म करिए उसका क्या फल होगा ये प्रभु के हाथ में, नियामक वो है। तो गणेश जी महाराज कहते कर्म करना चाहिए, फल जो होगा देखा जाएगा, और अपने चूहा में बैठकर गणेश जी महाराज भी पृथ्वी की परिक्रमा करने चल लिए। और जैसे गणेश जी चले ना, तो सामने से नारद जी महाराज हरि गुणगान करते आ रहे, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण हरि नारायण कि नाम लिया तो सब किया, और जाना सबका भेद, और नाम बिना नरक ही गए पढ़ी पढ़ी चारों वेद, नाम जपत बिटिया भली, और बिना नाम नहीं पूत, अरे शबरी तो हरिधाम गई धुंधकारी वो भूत। इसलिए जब भी मौका लगे हरि 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 गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण।
नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद नारायण हरि हरि गोविंद नारायण हरि हरि गोविंद नारायण हरि हरि गोविंद नारायण हरि हरि देवताओं ने देखा, ध्यान से सुनिएगा, और गणेश जी ने देखा, संसारी में और विवेकी व्यक्ति में क्या फर्क होता है। इसलिए जीवन में सत्संग करिए। बड़ा सुंदर दोहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, पर संत समागम हरि कथा। ये देहली दीपक न्याय, देहली पर दीपक रख दो तो अंदर भी प्रकाश होगा बाहर भी प्रकाश। ऐसे ही कहते संत समागम हरि कथा, मतलब वो संत संत नहीं है जो भगवान की चर्चा न करे, और वो चर्चा उतना कारगर नहीं है जो संत के मुख से न प्राप्त हो। तो इसलिए संसारी और भक्त में क्या फर्क होता है, सत्संग को, भगवान के कथा में जाने को, भगवान की कथा सुनने को संसारी समय की बर्बादी मानता है। अरे कहां जाए, समय जाएगा। और भक्त इसको समय का सदुपयोग मानता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो देवताओं ने सोचा अभी अभी नारद जी मिल जाएंगे, वो सत्संग की बात करने लगेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा। तो नारद जी जिधर से आ रहे थे रास्ता छोड़ दी, दूसरे रास्ते से चले। और गणेश जी सोच रहे हैं यदि नारद जी मुझसे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। और जाके नारद जी से जय जय सियाराम। नारद जी ने कहा कहिए लंबोदर आज कहाँ निकल पड़े आप। बोले ऐसी ऐसी आज्ञा हुई ब्रह्मा जी की, प्रतियोगिता में लगा हूं, भगवान जो चाहेंगे सो होगा। नारद जी ने कहा तो मैं मंत्र बताऊं। हाँ बताइए ना। बोले जल्दी करिए, सीताराम नाम लिखिए और उस सीताराम नाम की 7 परिक्रमा लगाइए और पहुंच जाइए ब्रह्मा जी के। यदि कोई आपको कैंसिल करे तो मेरा नाम बताइए। और गणेश जी तो लिखने में तेज आई, तुरंत लिखा श्री सीताराम, 7 प्रदक्षिणा लगाई और सीधे ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। अभी कोई देवता पहुंचे नहीं, भोलेनाथ वहीं बैठे थे। भोलेनाथ ने कहा जय जय, आप कहां से आ गए। गणेश जी ने कहा पिताजी चिंता मत करिए, तमूरा वाले बाबा मेरे को मिल गए थे। बोले फिर बैठ गया, क्योंकि नारद जी मिल गए, संत मिल जाए तो साधु तो हो ही न कारज हानि, अब तो काम बन गया। वो गणेश जी विराज गए, अब देवता क्रमशः आ रहे हैं। अब बात ये होती थी कि जो देवता जहां जाता था गणेश जी तो दिखते नहीं थे किसी को, पर गणेश जी के चूहे के पैर का चिन्ह सबको दिख रहा है। सब चकित, और जैसे सभा में आवे तो गणेश जी पहले से बैठे, आपस में काना फूसी, सब आके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब बताइए आप लोगों ने कैसे परिक्रमा किया। सबने बताया, गणेश जी की नंबर सबसे बाद में, कहा भैया आप तो सबसे पहले आ गए, आपने कैसे परिक्रमा की। गणेश जी ने कहा ब्रह्मा जी पहले आप बताइए, रकारा जायते ब्रह्मा रकारा सर्व सत्य
रकारा जायते शंभु रकारा सर्वशक्तय। रकार से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, रकार से ही नारायण जी प्रकट होते हैं, और रकार से ही मेरे पिता भोले बाबा प्रकट होते हैं, अरे रकार से ही सारा संसार प्रकट होता है। विधि हरिहर मैं वेद प्राण बंदो राम नाम रघुवर को और हेतु कृषान भानु हिम कर। ये सत्य है, भोलेनाथ अपने सिंहासन से उतर पड़े और गणेश जी को हृदय से लगा लिया। बोले बेटा तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, मेरे को धन्य कर दिया। और तुरंत ब्रह्मा जी ने गणेश जी को बैठाया अपने आसन पर, और सारे देवताओं में प्रथम पूज्य के नाम से टीका कर दिया और वंदना कर दिया। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। एक दिन की बात,
कैसा परिवार जीना चाहिए ये भोलेनाथ के परिवार से सीखिए, इसलिए मैं सुना रहा। गोस्वामी पाद रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, एक बार भोलेनाथ बड़े आनंद से वट वृक्ष के नीचे निज कर रहा थी सुंदर मृग छाला, और भोलेनाथ बैठे सीताराम सीताराम जप रहे थे, पार्वती पद वंदन के ना, माता पार्वती आई चरणों में नमन करते हैं, और अभी तक सामने बैठाते थे पर वाम भाग हर आसन देना बामांग में बिराजे, और जैसे मैया बैठी हाथ जोड़कर कहती है ना यदि आज्ञा हो एक निवेदन करूं। बोले बाबा ने हाँ कहिए ना। बोले कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह सैल कुमार, जो सारे संसार का हित करे वो कथा सुनाए। आपने उस बार राम तत्व सुनाया था परंतु मेरे मन में संदेह हो गया था, उसका फल मैंने भोग लिया, परंतु अब संदेह नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूं कि एक राम जी का नाम आप दिन रात जपते, तुम पुनि राम नाम दिन राते सादर जपहु अनंग अराते। एक राम जी तो वो है जिनका निरंतर आप नाम जपते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। भोलेनाथ रकारादिनि नामानि हर सम जनयन्ति, भोलेनाथ ऐसे नाम निष्ठ सजनों कि कोई रत्न बोल ले रथ बोल ले, जिस शब्द के प्रथम में रकार आए बोले भोलेनाथ मगन हो जाते हैं, ये मेरे राम जी का नाम लेने वाला ऐसे राम प्रेमी। तो कहा प्रभु आप दिन रात राम नाम जपते हैं, और एक राम जी महाराज चक्रवर्ती के भवन में जन्म लिए, मिथिला जाकर विवाह किए, वहां से लौट कर आए तो पिता के वचन को सत्य करने के लिए त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगान अरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्नु धावर वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। पिता के वचन को सत्य करने के लिए वनवासी बने और एक माया मृग हिरण के पीछे दौड़ते हुए, वो राम कौन है और जिनका भजन करते हैं कौन। कल मैंने आपको सुनाया था याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी से यही तो कहा कि ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा मकान। भोलेनाथ प्रथम प्रशंसा कर रहे, बोले देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती आपको धन्य क्योंकि आपके समान उपकारी कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी को धन देना किसी को मकान देना किसी को वस्त्र देना आदि दान है, पर उत्तम दान नहीं। उत्तम दान क्या है? गीता में भगवान कहते हैं यह इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वविधात्यते भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशय। मेरे चरित्र का मेरे कथा का मेरे गुणगान का जो दान करता है क्योंकि उससे जीव का कल्याण होता है। एक वाक्य भी सत्संग का कान में पड़ जाए तो जीवन का उद्धार कर देता है। तो जो भगवान की भक्ति भगवान के कथाओं का दान करे, भागवत ने उसको कहा भूरिदा जना। तो पार्वती जो उपकारी है सारे संसार के हित के लिए भोलेनाथ प्रशंसा कर रहे। देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा तो वो है जहां से बहती है, लोग जाएंगे उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र होंगे,
नहीं जाएंगे तो नहीं हो, पर ये राम कथा रूपी ऐसी गंगा है कि जहां जहां सर्वत्र इसका प्रवाहमान होता है और जो भी अपने कर्ण कुटों से इसका पान करता है उसके जीवन में मंगल का प्रारंभ हो जाता है। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संसय विहग रावण हारे, संसय विहग रावण हारे, राम कथा जय हो, जय हो राम कथा, जय हो राम कथा, जय हो राम कथा, जय जय राम कथा, पार्वती भैया की प्रशंसा किया भोलेनाथ, क्योंकि श्रोता की भी प्रशंसा होती है। गाय बहुत अच्छा दूध है और दूहने वाला न हो तो, और गाय थोड़ा कम ही दूध दे, दूहने वाला अच्छा तो ठोक पेट के दूध निकाल लेता है। इसलिए श्रोता के पांच गुण लिखे हैं रावण, श्रोता सुमति सुजान सुचि और कथा रसिक हरिदास, तब बाई उमा अति गोप्य मपे सज्जन करई प्रकाश। श्रोता सुमति होना चाहिए और सज्जन होना चाहिए। अच्छा देखिए सज्जन दुर्जन की परिभाषा क्या है, हम आपको सुनाएंगे। सुंदर कांड में है परिभाषा। हनुमान जी खड़े विभीषण के घर के सामने, मन में विचार कर रहे, मन में तर्क करे कपिला, तर्क कर रहे क्या, बोले लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवा, ये लंका में सज्जन कैसे, और ये सोच ही रहे थे। तब तक थे ही अवसर विभीषण जागा, तो क्या बोले, राम राम ते ही सुमिरन कीना, और हृदय हरत कपि सज्जन जीना। विभीषण जी ने कहा राम राम, हनुमान जी को निश्चित हो गया कि ये सज्जन, क्योंकि जो सोते जागते सीताराम सीताराम बोले वो सज्जन, और जो अभी बिस्तर से उठा नहीं, रजाई के अंदर मुंह लगा हुआ है, चिल्ला रहा है ओ राम कली,
चाय बनी कि ना बनी तो बता समझ ले, कम से कम उठो तो सीता राम तो बोलो, मुख में वो राम नाम राम सेवा हाथ। बोले नाथ पार्वती जी की प्रसन्नता कर रहे हैं। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसन्न, पूछे रघुपति कथा प्रसन्न, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय राम कथा, जय जय राम कथा, साधना उपासना कथा कीर्तन पूजा पाठ तीर्थ व्रत कथा जो भी हम करते हैं उसका एक प्रयोजन अंते नारायण स्मृति,
कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। विद्यार्थी ने साल भर पढ़ाई किया है कि मोबाइल चलाया कि टीवी देखा है, ये कब पता लगता है? जब रिजल्ट आता है। इसी प्रकार हमने जीवन में क्या किया इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब अंत आता है। और अंत में भगवान याद आए तभी जाके कल्याण होगा। तो पीछे से लोग सुनाते हैं ना राम नाम सत्य, अब बताओ जो संसार से चला गया लाख उसके पीछे सुनाते रहो राम नाम सत्य, जीते जी इसने सुना ही नहीं। इसीलिए दीक्षा ली जाती, इसलिए कथा कीर्तन में भाग लिया जाता है कि एक बार तो राम नाम पड़ जाए कान में। क्योंकि यमराज अपने दूतों को बताते हैं, सुनो जिहुआन भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतन स्मरति तरविंदम कृष्णाय नु नमति अक्षर एकदापि तानानयतमस्तो कृत विष्णु कृत्या। हे अवधूतो, जिसने कभी राम नाम न लिया हो, कान से भगवान की कथा न सुनी हो, गोविंद के चरणों में सिर न झुकाया हो, कभी भी जिसने मस्तक पर तिलक गले में कंठी भगवान के लिए अपना समय न दिया, ऐसे लोगों को मेरे यहाँ लाना। अलावा जो भक्तों मत लाना, इसलिए मरघटे में तिलक लगाया जाता है। अब बताओ जो संसार से चला गया उसको पूरे शरीर को तिलक से पोत दो, अरे जीते जी नहीं लगाया। तो महाराज अंत भला तो संवर, भगवान याद आए इसलिए हर क्षण याद करो, पता नहीं कौन क्षण हमारा अंत हो जाए, इसलिए सांस सांस प्रति नाम। बड़ा कठिन है, एक वृद्ध थे, शरीर छूट रहा आए बाएं साए बके, बच्चों ने कहा पिताजी सीताराम बोलिए ना, और जब कभी बोला हो तब ना बोले ना। तो दामाद था, उसका नाम था सीताराम, बोले उसी को सामने खड़ा करके नाम पूछ लो तो मुंह से नाम तो निकल जाएगा। दामाद को सामने खड़ा किया, बोले पिताजी इसका क्या नाम है? अरे बोले नाम क्या है? मेरी बेटी का पति है, नाम क्या है? सीताराम नहीं बोला हमारा था। और आंगन में इशारा करे तो बच्चों ने सोचा पिताजी धन गाड़ रखे होंगे, पहले बैंक तो होता नहीं था तो गाड़ के रखते थे, बताना चाहते पर बोल नहीं पा रहे बेचारे। डॉक्टर को बुलाया, बोले डॉक्टर साहब कोई दवाई दीजिए पिताजी कुछ तो बोले। बोले दवाई तो है 500 फीस है। बोले धन बहुत होगा गड़ा हुआ था, महाराज गड़े के चक्कर में कितने किला खोद डाले लोग देखो जा, तो पहले गाड़ के रखते थे। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने सुई लगाई, मालूम बाप क्या बोला? अरे तुम लोग मेरे ही तरफ देखते देखते नहीं हो, आंगन में झाड़ू को बच्चिया खा रही, और मेरे रहते ये दुर्दशा है, मैं चला जाऊंगा तो क्या करोगे? बच्चों ने माथा ठोका, हे भगवान मर रहे हो झाड़ू की चिंता, क्योंकि जीवन भर यही किया। अंते या मति सागति, इसलिए सचनो ये कथा कीर्तन पूजा पाठ गुरु मंत्र दीक्षा जो भी लिया जाता है उसका एक ही हेतु है कि अंत में प्रभु याद आए, और वो तभी होगा जब प्रभु की कृपा हो। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हे गोविंद इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले श्री राम नाम लेकर, ये प्राण तन से देहाल से काले तुम सामने हो, देहाल से काले तुम सामने हो, मन को लुभाते चित को चुरा, भोले मुरली बजाते चित को चुरा, भोले मुरली बजाते चित को चुरा। Oh,
तुमने जो प्रश्न किया है तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माय शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु ना। बाबा भोलेनाथ कहते हे देवी मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में शोक मोह भ्रम संदेह ये राम जी की कृपा से है ही नहीं, क्योंकि जब राम जी कृपा करते हैं तब ये जीव को छोड़ के भाग जाते हैं। जिनके कपट दम्ब नहीं माया और तिनके हृदय बसों रघुराया, और जिसके हृदय में राम जी वास करते हैं वहां शोक मोह संदेह का होता तुम्हारे नहीं। पर पूछे वो कथा लोक हितकारी, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है सजन, हम तीर्थ जाते हैं व्रत करते हैं कथा सुनते हैं नाना प्रकार के पूजा पाठ करते हैं ये धर्म है, परंतु पूर्ण धर्म नहीं, ये धर्म का अंग है। पूर्ण धर्म क्या है? बोले परहित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। उत्तम धर्म है परोपकार, क्योंकि परहित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कछ। और पर क्या है? पर माने परमात्मा। अब बताओ संसार में इतने जीव है किसका किसका हित करोगे जी, किसके किसको दान करोगे, किसको किसके जीवन में कुछ फायदा उठाओगे? एक को करोगे एक सौ रो रहे हैं तो आपका सबका उपकार तो नहीं हुआ ना। इसलिए शास्त्र का नियम है सर्वे पदा हस्ति पदा निमग्ना, हाथी के पैर में सबका पैर समा जाता है। इसलिए राम जी का भजन करो, राम जी के पर माने परमात्मा, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दो तो सबका उपकार अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो जगन्नाथ है और जब जगन्नाथ रीत जाएगा तो जगत तो सुखी हो ही जाएगा। इसलिए तुम जग पे जग तो ही पर रीज रहे भरपूर, जगपति पर रीझे नहीं तो सब रीझन में धूल। इसलिए भोलेनाथ कहते देवी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक महात्मा के पास चार लोग मंत्र लेने गए तो पहले संत लोग परीक्षा कर लेते, आज भी परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा होता है तब जाके एडमिशन होता है। तो पहले भी संत लोग पहले परीक्षा करते थे शिष्य का कि ऐसे लग गया लाइन में कि कुछ है दम दिला से। तो चार लोग एक संत के पास मंत्र लेने, संत ने कहा बैठ जाओ, वो चारों को बैठा दिया, दो शिष्य को भेजा, एक को भेजा भोजन का थाल लेकर चारों के सामने रख, और एक को भेजा कि चारों के हाथ को ऐसे सीधा सीधा मांग डंडा लगा के। एक ने भोजन का थाल लग दिया, एक ने डंडा लगा के हाथ ऐसे सीधा मांग। अब घंटों एक दूसरे का मुंह देखे, गुरुजी आए, बोले भाई तुम लोग भोजन क्यों नहीं करते हो, भोजन का थाल सामने रखा है। बोले महाराज सामने तो रखा है पर हाथ तो सीधा है, मुंह तरफ जा ही नहीं रहा।
संत ने कहा पागल, अपने मुख में नहीं जा रहा है ना, दूसरे के मुंह में तो जा रहा है। यदि तुम एक दूसरे को भोजन कराना चाहते तो चारों का पेट भर गया होता, तुम्हारा तो है कि हमारा पेट भरे दूसरे का चाहिए जो हो जाए। तो कहने का मतलब, भोलेनाथ कहते पार्वती तुमने सारे संसार के हित के लिए कथा सुना है, और तुमने जो प्रश्न किया रामचरित्र, राम जी की कथा, तो सुन सुन कथा भवन राम चरित मानस विमल कहा भुसुंडि भखान सुना विहग नायक गरुण। देखिए राम कथा सुनाने की दो विधा, एक तो पार्वती जी ने प्रश्न किया है, और एक विधा आती है कि नारद जी महाराज एक बार कैलाश पधारे। मैया पार्वती ने कहा, कहिए नारद जी, बहुत दिनों में आए हैं आप। नारद जी ने कहा, माता जी बात यह है ना कि संसार में बहुत छल कपट हो गया, आदमी बात बात में कपट करता है, इसलिए हमने आना जाना छोड़ दिया, एकांत वाता झगड़ा न जाना। बन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नाही अमीरी, भला बुरा सबका सुन लीजिए करी गुजरान गरीबी में, बन लागो मेरो यार फकीर। पार्वती जी ने कहा, देखिए जी होगा संसार में कपट, हमारे दरबार में कपट नहीं है। भोलेनाथ तो भोले भंडारी है, अब नारद जी है। नारद जी ने कहा, माता जी एक बात पूछूं। हाँ पूछिए ना। ये जो भोलेनाथ मुंडों की माला पहने रहते हैं, मालूम है किसके? बोले ये तो नहीं पता। तो बोले खाक कपट नहीं करते, जो ची रात दिन गले में टांगे घूमते वही नहीं बताया आपको। अच्छा नारायण, नारद जी तो चले गए, और आज भोलेनाथ जब समाधि से उठ कर आए, मैया पार्वती उदास बैठे। बोले बाबा ने कहा, देवी आज क्या हो गया? बोले रहने दीजिए, मेरे को आज पता लगा कि आप भी कपट करते हैं। बोले बाबा ने कहा, मैंने क्या कपट किया आपसे? बोले जो आप मुंडों की माला खोपड़ी की माला पहने रहते किसके? बोले नाथ ने मुस्कुरा कर कहा, देवी पहले ये तो बताओ आज नारद जी तो नहीं आए थे? बोले नारद जी तो हमारी आँख खोल गए, नहीं तो हम तो आपको वास्तव में भोले भंडारी मानते। बोले देवी इतनी छोटी बात, जब आपको पता लग जाएगा ये सिर किसके हैं तो आप बड़ी प्रसन्न हो, ये सारे सिर आपके हैं। जब जब आपका शरीर छूटता है मैं आपके घर को गंगा में प्रवाहित करता हूं, और आपके सिर को माला में लगाकर और गले में टांगा रहा। पार्वती जी ने कहा, अच्छा बाबा भूल हो गई, वो नारद जी बता गए थे इसलिए मैंने पूछा। वो बात आई गई, एक दिन नारद जी फिर आ गए, जय जय सियाराम। भैया ने कहा, आज क्यों आए? बोले बात बन गई। बोले हाँ। बोले वो सारे सिर मेरे हैं। नारद जी ने कहा, बिल्कुल आपके हैं? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, माता जी आप हैं भोली भाली, वे हैं भोले बाबा। आपने इतना नहीं समझा कि उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि अमरनाथ बने बैठे, और आप इतने बार मरी जी कि आपके खोपड़ी के माला बन गए, और वो भी अलमारी में बंद करके नहीं रखते, गले में टांग के आपको ही तो चिढ़ाने के लिए घूमते रहते हैं। भैया आप जानो आपका काम, जाने जय सियाराम, मैं चल। और आज भोलेनाथ पुनः उठकर आए, भैया फिर उदास का क्या हुआ? बोले रहने दीजिए, आपने कौन जड़ी बूटी खाई है कि आप मरते नहीं अमरनाथ बने बैठे हैं, और मैं इतनी बार मरी जी? भोलेनाथ ने कहा, आपको पता नहीं? अरे नाम प्रसाद सब अविनाते साज अमंगल मंगल राशि, आपने कभी पूछा ही नहीं। ये राम कथा कालम ब्याल मुखग्रात त्रात निर्णात हेतवे, ये जो श्री राम कथा है वो मैंने धारण रची, महेत निज मानस राका और बाईस समय उमासन वाता, और आज वही सुना रहे। पर भोलेनाथ कहते, देवी एक बात ध्यान से सुनना,
आपने राम कथा सब पूछी है ना, राम कथा अनंत है। हरि अवतार है तुझे होए इदमिंथव कही सकई न कोई। भगवान का अवतार इसीलिए होता है, ऐसा कोई भी निर्णय करके बोल नहीं सकता है, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन माने मत हमार अस सुनहु सयाने। हे भवानी, हे पार्वती, श्री राम जी महाराज तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सकते, वो तो भावक ग्राही है। भाव का भूखा हूं मैं तो, भाव ही बस सार है। कोई व्याख्यान से तर्क से ये सिद्ध कर दे कि राम जी ऐसे है। अरे श्रुतियां जब राम जी का वर्णन करने चलती है तो नेति नेति कह के मौन हो जा। तो भी हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो भी आपने पूछा है तो मैं ज्यादा तो नहीं, जन्म एक दुई कहो बखानी पर सावधान सुन सुमु की सया। बहुत प्यारी बात, जब भी आप कोई भी शास्त्र पढ़िए, भागवत वाल्मीकि रामायण जो भी, तो उसमें जब कथा प्रारंभ होती है ना तो एक वाक्य आता है, सावधान तया श्रेणु सावधान सुन सुमुखी सयानी। क्योंकि कथा में सावधानी बहुत जरूरी, और सबसे बड़ी सावधानी क्या कि नींद ना आ जाए। तो कथा बहुत जल्दी नींद आती है, खैर हमारे श्रोता नहीं सोते, हम 88 से कथा कर रहे हैं, आज तक अपने श्रोताओं को सोते नहीं देख, क्योंकि हर 5 मिनट में ताली तो बजाते आते ही होते, परंतु आती है नींद ऐसा कहते हैं। एक सेठ जी कथा सुनने गए, कपड़े का दुकान था, और जैसे कथा में बैठे नींद आ गई, और नींद आई तो सपना देखने लगे, और सपना देखा तो दुकान में बैठा हूं, कोई कपड़ा खरीदने आया है। अब सेठों की आदत होती, दिखा दिया, पता नहीं कौन सा थान पसंद आ जाए। लेने वाले ने कहा इतना नहीं भैया, 1-2 मीटर दे दो, और बैठे थे कथा में सपना देख रहे थे, दुकान का जो सामने बैठा था उसी व्यक्ति का कुर्ता लिया और चरण से फाड़ दिया। कथा में हल्ला मच गया, अरे क्या किया, अरे बोले मैं तो दुकान चला गया। इसलिए कथास्थल का विधान है, विशाला वसुधा यत्र तत्र कार्यो कथास्थल, कथा की भूमि विशाल होनी चाहिए, और ज्यादा सरसठ के बैठो कहीं सपना आ गया तो ही हालत हो जाती होता। तो इसलिए सावधान तया सुनो, कथा हमेशा सावधानी पूर्वक सुने। तो भोलेनाथ कहते देवी सावधान होकर सुनो, जन्म एक दुई काउ बकानी सावधान सुन सुमुखी सयान। सबसे पहला कारण क्या है, राम जी क्यों जन्म लेते हैं, अलावा तो अनंत कारण है, पर एक दो कारण बता रहे हैं, जिसमें पहला कारण है, जब जब होई धर्म के आने बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के आने बाढ़ई तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि जय जय
भगत भाव करे सोयस गाई भगत भाव करे कृपा सिंधु जनहित तंग धरे कृपा सिंधु जनहित राम जन्म के हेतु बने राम जन्म के हेतु बने का परम विचित्र एक ते का परम विचित्र एक ते का जय सी राम जय सी राम जय सिया 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 राम कहो राम सीता इसी में भागवत इसी में जाकर नाम सुनत सुब होई ये राम जी महाराज का नाम इसलिए जब भी अवसर लगे यहाँ तो लीजिए ही अपने घर में नियम बनाइए कम से कम आधा घंटा पूरा परिवार बैठकर और ताली बजाकर राम नाम का कीर्तन करिए देखिए क्या आनंद आता और जहाँ राम नाम कीर्तन होता है वहां हनुमान जी पधारते हैं और जहाँ हनुमान जी पधारते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब ना भोलेनाथ कहते सत पार्वती राम जी जन्म क्यों लेते। एक बार सुखदेव भगवान से भागवत में परीक्षित जी ने पूछा प्रभु मेरी समझ में नहीं आई आपने रामचरित्र सुनाया कृष्ण चरित्र सुनाया भक्त चरित्र सुनाया सबके जीवन में विपत्ति भगवान जन्म ले रहे कारागार में सोचिए और दो दिन के हुए नहीं वो आ गई पूतना खाने के लिए चार दिन के लिए हुए नहीं वो आ गया अघासुर बकासुर पूरा जीवन तो लड़ते ही रह गए और द्वारिका में आ गए तो अपने घर वाले ही विचित्र निकले क्या है। राम जी महाराज वनवास गए वहां से लौट कर आए तो जानकी जी का विरह हो गया ये सब क्या है। भक्त प्रहलाद बाप ही मारने को तैयार है ध्रुव माता ही घर से निकाल रही है ये सब चरित्र क्यों। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित कलौ जनिष्यमानानां ये दुख शोक तमोनुदे अनुक्राय भक्ताना व्यतरोत विमलं यश। परीक्षित ये सारे चरित्र कलयुगी जीवों के लिए होते हैं।
क्योंकि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान आदि सक्सेस नहीं। अरे ये घंटा एक आसन से जो बैठ नहीं सकता क्या योग करेगा बाबा? वो कर भी लेगा तो शरीर पुष्ट होगा ना, आत्मा तो जो कहते हैं। और आत्मबल नहीं हो तो शरीर सोने का हो जाए कोई मतलब नहीं, और आत्मबल है तो शरीर में हजार रोग बने रहे तो भी आदमी हंस के जीता है। तो आत्मबल किससे मिले? वो भगवान का चरित्र जब सुनेंगे। भाई आज की दुर्दशा क्या है, माता पिता अपने बच्चों को करोड़ों रुपया पढ़ाई में लगाते हैं, बच्चा 10 किलो का है, बस्ता 20 किलो का है, परंतु उस पढ़ाई में सहन शक्ति वाली पढ़ाई कोई नहीं। थोड़ी सी कोई संकट विपत्ति किसी ने कुछ कह दिया तो सहन शक्ति खत्म। और पहले भले पढ़ाई कम होती थी पर सहन शक्ति वाली पढ़ाई। हनुमान जी का, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का। एक माता जी थी तो अपने बच्चे को रोज सुंदर कांड सुनाती थी। हम आपको भी सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। कलयुग में वेद है सुंदर कांड, 60 दोहा, 30 दोहा में हनुमान जी का चरित्र और 30वें राम जी का चरित्र, पाठ करना चाहिए। अरे 10-10 दोहा रोज करो, कौन कठिन। तो माता जी अपने बालक को रोज सुंदर कांड सुनाती। एक दिन सुना रही थी कि हनुमान जी लंका जला रहे, और ये कथा चल रही थी सज्जनों तभी तक घर में चोर लोग आए। अब माँ अकेली थी, माँ डरने लगी। छोटा सा बच्चा कहता है, माँ डरती क्यों हो, हनुमान जी लंका जला रहे, बुला लो ना। पर माँ को तो था कि ये घटना त्रेता का है, पर बच्चे का निर्मल मन लगा अभी ही लंका जला रहे ना। माँ नहीं बुला पाई, बच्चा बुलाया, हनुमान जी लंका बाद में जलाइएगा, मेरे घर में चोर घुस गए हैं, उनको भगा दीजिए, मेरी माँ डर रही है। और जो ऐसा विश्वास देखा, एक बड़ा समंदर आया, एक एक झापड़ मारा, सारे चोर भाग गए। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये सारे चरित्र क्यों है? श्री भोलेनाथ करे पार्वती सोच, सोई जस गाई भगत अवतरई, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। अनंत चरित्र भगवान के, पर जन्म एक दुई कहो बखानी, द्वार पार हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। भगवान नारायण के दो पार्षद हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत, ये चार भाई हैं ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मानस पुत्र, और शंकर जी के बड़े भैया हैं, पर कभी बुढ़ाते नहीं, हमेशा 5 वर्ष के रहते। क्यों? हरि शरण में भवे नित्यम ऐसा मुखे वच, अतः काल समाधिष्ठा जरा युष्मान न बाध। श्री राम शरणम, श्री हरि शरणम, ऐसा उच्चारण करते रहते हैं, इसलिए न बुढ़ापा होता है न कभी मृत्यु। वो जा रहे थे दर्शन करने भगवान का, जय विजय ने डंडा लगा दिया। तेजम विहत्य भगवत प्रतिकूल शीलम, पर भगवान के दर्शन में बाधा हुआ तो जय विजय के प्रति सनकादिकों को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो। वही जय विजय एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर आए, एक जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनकर आए, और एक जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन कर। तो एक भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 बनकर करेन कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मरुत्पत्ति, एक झापड़ मारा हिरण्याक्ष तमाम। और उसी का भाई हिरण्यकश्यपु जिसके पुत्र प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी को इतना सताया हिरण्यकश्यपु ने,
कि प्रहलाद जी के भाव को देखकर भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप को मन श्री भोलेनाथ कहते देवी एक जन्म का तो एक ये कारण और एक बार एक कलप यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसार। और देवी एक जन्म में नारद श्राप दिन एक बारा और कलप एक ते ही लगी अवतारा। एक कल्प में तुम्हारे गुरु के कारण मेरे प्रभु को मनुष्य तन लेना पड़ा। नारद श्राप दिन एक बार नारद जी ने एक बार श्राप दिया इसलिए अवतार लिया। और जो ऐसा कहा तो गिरिजा चकित वही सुनी बानी। माता गिरिजा पार्वती जी चकित हो गई और भोलेनाथ कथा आगे बढ़ा रहे थे। भैया ने कहा रुक जाइए आपने मेरे गुरु को क्रोधी कहा। आजकल तो लोग गुरु वरण करते नहीं। मान लो गुरु बना लिया अभी किसी ने कह दिया तुम्हारा गुरु बड़ा क्रोधी है। बोले कल से तो दूर ही से प्रणाम कर लेंगे भैया हम कहां तक। श्रद्धा ये नहीं है सजरू। श्रद्धा वो है जो किसी भी परिस्थिति में डिगती नहीं। माता पार्वती कहती है आपने मेरे गुरु को क्रोधी कहा और कहा कि नारायण को श्राप दिया। तो जरा ये कथा विस्तार से सुनाइए क्योंकि कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति की रमापति की ना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। यह प्रसंग कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भंग करो नहीं तो हमारा इंद्रासन जा रहा है। कामदेव अपने सहायकों के साथ आए। देखिता मदन हरसाना के नेतिकोनी प्रपंच विधि नाना। बहुत प्रपंच किया पर नारद जी की समाधि नहीं टूटी। नारद जी भजन करते ही रह गए क्योंकि सीम की चाप कड़ई को तासो। अरे बड़ा रखवार रमापति का जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा।
और जब नहीं कामदेव समाधि तोड़ पाए तो नारद जी के चरणों में गिर गए। काम कला कछु मुनि न व्यापी। और तब महाराज नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। अब न काम का कला व्यापा न क्रोध व्यापा। कामदेव चरणों में नमन करके चला तो गया, परंतु भोलेनाथ कहते देवी सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? बोले अभिमान। मेरे गुरुदेव बार बार कहते तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब।